वो सर्टेन स्पीड पर आई क्योंकि उसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आके उसको स्पीड आए यानी कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना। यानी कि हुआ क्या, एनर्जी का कन्वर्जन हुआ फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब इस काइनेटिक एनर्जी का यूज कैसे करें, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पानी को हम लोग टर्बाइन में, टर्बाइन के रोटर पे इंपल्स कराएंगे, इंपिंज कराएंगे। ओके, ये बेसिक टर्बाइन का डायग्राम बनाने की कोशिश किया। इसके रोटर पर ये पानी इसको स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो सिंस पानी के पास काफ़ी काइनेटिक एनर्जी है, तो अगर ये इसको स्ट्राइक करेगा यहाँ पर, तो ये टर्बाइन का रोटर घूमेगा, है ना। यानी कि इसके काइनेटिक एनर्जी से इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब जब ये रोटर घूमेगा तो मैं इसे डायनेमो से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर से मैं इसको डायनेमो से, एक शाफ्ट के थ्रू डायनेमो से क्रिएट कर दूंगा। अब वो डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, यहाँ पर ये मैकेनिकल एनर्जी जो कि काइनेटिक के फॉर्म में है, इस मैकेनिकल एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर लिया या ट्रांसफॉर्म कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। ये टर्बाइन का रोटर है और ये डायनेमो है, यहाँ लेबल कर दे रहा हूँ, डायनेमो हो गया रोटर ऑफ टर्बाइन, ठीक है। तो अब ये जो जब डायनेमो रोट घूमेगा तो जनरेटर के थ्रू वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, राइट। तो इन शॉर्ट हो क्या रहा है, पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी था उसको मैं पहले काइनेटिक में कन्वर्ट किया और फिर वही उसको मैंने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो ये बेसिक कन्वर्जन का प्रोसेस हो गया। तो ये था बेसिक वर्किंग ऑफ हाइड्रोपावर प्लांट्स।